अगर बात करें, सनातन परंपराओं की अगर बात करें, तो इस समूह को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम शायद नहीं, पूरे सत्यति के साथ में आपको बताएं कि हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज की अनुपम झलकी आज तीसरे शाही स्नान के तौर पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ परम पूज्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज हैं। पूज्य श्री, आज का तीसरा शाही स्नान संपन्न हो रहा है, आप स्नान करने जा रहे हैं, दर्शकों से क्या कुछ साझा करेंगे? मैं सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भारत का एक छोटा सा संत हूं और हम कैसे पूरी दुनिया को संदेश दे सके हैं अपने धर्म की परंपराओं को लेकर, हमें इसका ध्यान रहना चाहिए। आज बसंत पंचमी का शाही स्नान है, पूरी दुनिया उमड़ी हुई है। मैं आदरणीय आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कुंभ को इतना सुंदर और इतना विशाल किया है। तो मैं जय पारस टीवी की ओर से पूरे देश को बधाई, साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। जो लोग यहाँ आकर के स्नान करने आए हैं वो निसंदेह धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन जो आपके माध्यम से स्नान को देख रहे हैं वो भी कहीं इन लोगों में से कोई कम नहीं है, इनसे कम कहीं उनको पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो निसंदेह यह जो बसंत पंचमी का पावन अवसर है, यह देव दुर्लभ है और देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो विहंगम दृश्य चारों ओर जनमानस है, चारों ओर भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, चारों ओर सनातनियों को मानने वाले लोग हैं, विश्व परंपराओं को, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हैं, गंगा यमुना सरस्वती और भारतीय संस्कृति के प्रति जिनका आदर रहता है, आज वो सभी संगम के तट पर हैं। मैं सभी का साधुवाद, वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। पुष्य, आज का ये तीसरा शाही स्नान पर्व है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, अगर आशीर्वचन के तौर पर हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं उनको क्या कुछ कहेंगे? आज का यह तीसरा स्नान, पहला स्नान मकर संक्रांति, दूसरा स्नान मौनी अमावस्या और आज तीसरा स्नान वसंत पंचमी। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने ये ऐसा करके दिखाया, देवताओं को भी यह दुर्लभ था और निसंदेह न भूतो न भविष्यति, ना विश्व में ऐसा कभी मेला हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए जो जय पारस टीवी के दर्शक हैं वह निसंदेह आश्वस्त रहे कि भारतीय परंपरा सनातनियों की परंपरा है, भारतीय परंपरा संस्कृति की परंपरा है, भारतीय परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, भारतीय परंपरा सनातन परंपराओं की परंपरा है। तो इसके लिए आप सभी निसंदेह अभिनंदन और आशीष के पात्र हैं। आप सबों को बहुत, यहाँ जो लाखों करोड़ों महात्मा साधु श्रद्धा श्रद्धालु जन हैं उनकी ओर से आपका अभिनंदन है, उनकी ओर से आपको साधुवाद है, आशीष है।